दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ना चाहते लालू प्रसाद। सुशील मोदी, पटना। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का कहना है कि महागठबंधन के कई दल लालू प्रसाद के पुत्र मो और एक तरफा फैसला लेने की प्रवृत्ति से घटना महसूस कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग आरजेडी ने कूड़ेदान में डाल दी है। अब पुत्र मो में अपने अनुभवहीन दागी बेटे को सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करने की उनकी जिद महागठबंधन को भी ले डूबेगी। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का इस्तीफा, 5 एमएलसी का सामूहिक रूप से अलग होना और प्रदेश उपाध्यक्ष की पार्टी छोड़ने की तैयारी, दीवार पर लिखी एक ऐसी इबारत है जिसको लालू प्रसाद पढ़ना नहीं चाहते। मोदी ने कहा कि जिस दल का नेतृत्व पत्नी पुत्र मोह में डूबा हुआ हो, भाई भाई एक दूसरे को निपटाने में लगा हो और राजनीति का मतलब सिर्फ बेनामी संपत्ति बनाना रह गया हो, उस दल में एकजुटता और स्वार्थ से ऊपर उठने की अपील का कोई असर नहीं होने वाला। मोदी ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा कि आरजेडी नेतृत्व गुड़ की पूरी बोरी हड़पने के बाद कार्यकर्ताओं से गुड़ ना खाने की अपील कर रहा है। सुशील मोदी ने पूछा कि आरजेडी को अपनी स्थापना दिवस के दिन यह बताना चाहिए था कि पार्टी में अब तक लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष क्यों नहीं बना? क्या सत्ता में आकर बेनामी संपत्ति बनाना और अपराध का निर्लज राजनीतिकरण ही लालूवाद है? मोदी ने कहा कि आरजेडी को यह बताना चाहिए था कि उसने शासन काल में बिहार में विकास ठप क्यों रहा। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी जब तक राजनीतिक दल में बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करता रहेगा, तब तक जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आगे कहा कि लालू प्रसाद ने सीनियर साथियों को दरकिनार कर सभी मुख्यमंत्रियों का पद पत्नी को सौंप कर राज्य को कुशासन के गर्त में डाल दिया था। सत्ता जाने के बाद भी इनका परिवार मौन नहीं छूटा। जब से उन्होंने नेता विरोधी दल जैसा गंभीर पद पहली बार विधायक बनने वाले पुत्र को सौंपा है, तब से पार्टी को एकजुट रखना मुश्किल हो गया है। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कांग्रेस पर निराशा साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल की खरीद के फैसले पर गलत जानकारी के आधार पर झूठे आरोप लगाकर शत्रु देशों का एजेंडा चलाया। अब लद्दाख में चीन से टकराव होने पर वे रक्षा जैसे संवेदनशील मामले पर लगातार ट्वीट कर सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की 11 में से एक भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की कांग्रेस की जिद कभी पूरी नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, जिस दल का नेतृत्व पत्नी पुत्र मोह में डूबा हो, भाई भाई एक दूसरे को निपटाने में लगे हो और राजनीतिक का मकसद सिर्फ बेनामी संपत्ति बनाना हो, उस दल में एकजुटता और स्वार्थ से ऊपर उठने की अपील का क्या असर होगा? आरजेडी नेतृत्व गुड़ की पूरी बोरी हड़पने के बाद कार्यकर्ताओं से गुड़ ना खाने की अपील कर रहा है। मोदी ने लालू प्रसाद पर निराशा साधते हुए एक अन्य ट्वीट में लिखा, लालू प्रसाद ने सीनियर साथियों को दरकिनार कर सभी मुख्यमंत्री का पद पत्नी को सौंप कर राज्य को कुशासन की गर्त में डाल दिया था। सत्ता जाने के बाद भी उनका परिवार मोह नहीं छूटा। जब से उन्होंने नेता विरोध दल जैसा गंभीर पद
पहली बार विधायक बनने वाले पुत्र को सौंपा, तब से पार्टी को एकजुट रखना मुश्किल हो गया है। और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।